टाइम टेबल कैसे बनाएं। हाँ दोस्तों, हमें बहुत सारे कमेंट आए कि सर आप 6 घंटे का टाइम टेबल दीजिए, आप बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, हमें टाइम टेबल बताइए किस टाइम टेबल से हम पढ़ें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में, हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो देखिए दोस्तों, चलने से पहले मैं आपसे एक पंक्तियां कहना चाहूंगा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। इसका मतलब दोस्तों समझ लीजिए कि संपूर्ण संसार का जो आधार है वो तप ही है। यानी आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अपने लिए एक नई दिशा और दशा तय कर सकते हैं दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। और दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि एक टाइम टेबल बनाने के समय आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकती हैं। देखिए दोस्तों, टाइम टेबल देने को तो मैं आपको टाइम टेबल दे दूं, समय सारणी दे दूं, लेकिन हर आदमी का जीवन का स्तर, हर आदमी का लाइफस्टाइल अलग होता है। आपके पास समय अलग होते हैं, किसी का मॉर्निंग का स्कूल है, किसी का इवनिंग का स्कूल है, किसी का किसी टाइम में जो उसको समय मिलता है पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप कुछ बातें जान लीजिए। मैं आपको यहाँ पर कम से कम 5 बातें बताने वाला हूँ जिनकी मदद से अपना टाइम टेबल खुद डिजाइन करेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। पहला दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए। आपके पास कितना घंटा समय मिल रहा है आपको पढ़ाई के लिए, आपको समय निकालना पड़ेगा। तो अपने घंटे स्वयं आपको यहाँ पर दोस्तों नापने होंगे, स्वयं आपको निर्धारित करने होंगे, स्वयं आपको और कार्य करना होगा, कोई आपकी मदद वहां पर नहीं कर पाएगा। आपके पास कितना फ्री टाइम है, आपके पास कितना टाइम बच रहा है स्कूल को लेते हुए, थोड़े बहुत काम करते हुए आपके पास जो टाइम बच रहा है उसमें कितना से ज्यादा समय आप दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो पहली बात दोस्तों आपको ये कि अपना समय खुद आपको निर्धारित करना है कि आपको कितने देर पढ़ना है। दूसरी चीज, आपके समय सारणी में, आपके टाइम टेबल में लचीलापन होना चाहिए। देखिए हाँ दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी इन योर टाइम टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आपने समय बनाया कि मैं दोपहर में 3 बजे से पढ़ूंगा 3 से 6, और मान लीजिए आपको अचानक से कोई कार्य आपके आ गया, आपका अचानक से कोई काम याद आ गया, तो आप आने के बाद अपने टाइम टेबल को देखिए और देखिए कि मैं ये 4 घंटे नहीं पढ़ पाया हूं तो मैं किसी भी समय उसको पूरा कर सकूं। तो दोस्तों आपको एक बैकअप टाइम लेकर के चलना होगा, आपको एक कवर टाइम लेकर चलना होगा जिससे आप अपने टाइम को पूरा कर सकें, जिससे अपने समय को आप फॉलो कर सकें। तीसरा चीज, जब भी आपने टाइम टेबल बनाए तो उस पर स्टिक करें, उस पर आप बने रहें, उस पर आप डटे रहें। बिल्कुल आपको ये नहीं कि आप 2 दिन तक एफर्ट करें, तीसरे दिन आप उसको छोड़ दें, तो बिल्कुल आप मान लीजिए आप दिशा से भटक जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चौथी चीज दोस्तों, आपको दिमाग में अपने टाइम टेबल इस प्रकार से बनाना है कि आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट वीक है। जैसे किसी का मैथ वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है, किसी का अकाउंटेंसी वीक है, किसी का इकोनॉमिक्स वीक है, तो उस तरह से आपको समय देना होगा। कंपिटेटिव के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको देखना होगा किस तरह से आपका जीएस कमजोर है, किस तरह से आपका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। तो इस तरह से आपको टाइम टेबल को बनाना है बिल्कुल। और दोस्तों अपने को निर्धारित कर लेना है कि आपको कम वीक सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब आपको स्ट्रांग सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना समय आपको वीक सब्जेक्ट के लिए देना है, कितना आपको स्ट्रांग वाले सब्जेक्ट के लिए देना है। बिल्कुल दोस्तों ये काम आपको करना है। पांचवा चीज मैं जो आपसे कहना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भी आप टाइम टेबल बनाए दोस्तों उसको आप 21 दिन तक, हाँ दोस्तों 21 दिन तक लगातार आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी में प्रूव हो चुका है कि जो चीजें लगातार दोस्तों 21 दिन तक कर लेते हैं, यानी 21 दिन तक हम उस कार्य को करते चले जाते हैं बिना रुके बिना थके, तो हमारे एक पैटर्न बन जाता है, हम उस वे में अपना काम कर लेते हैं। यही बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको दोस्तों अपने टाइम टेबल में लचीलापन रखना है, कितने घंटे पढ़ने हैं स्वयं आपको निर्धारित करना है। आपको अपने टाइम टेबल में दोस्तों रोटेशन भी रखना है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। इन सारी चीजों को करते हुए टाइम टेबल को आपको डिजाइन करना है। और दोस्तों अगर आप इन बातों को फॉलो कर ले रहे हैं तो आपको सफल होने से, आपको दोस्तों आप सफलता का परचम लहराने से कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। डाउटनट नाम का ऐप है, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो दोस्तों आप इस ऐप पर दोस्तों आप फोटो खींच करके अपने क्वेश्चन को एक बार में एक क्वेश्चन अच्छे से अपलोड करके आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छा ऐप है, एक्सपर्टाइज सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जितनी भी टाइम टेबल से रिगार्डेड आपकी समस्याएं थी मैंने उसको सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर किया है कुछ बातों के माध्यम से। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा और वीडियो को दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने जितने भी दोस्त आपके कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि टाइम टेबल बनाने से पहले पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इन बातों अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो दोस्तों आपका टाइम टेबल परफेक्ट होगा। और दोस्तों आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो बना करके उसको एग्जीक्यूट कर डालिए, बिल्कुल आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।